Why clouds are white? You see, some clouds are white. कुछ क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं? यू नो, जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं, दे कंटेन डस्ट पार्टिकल्स मेनली ऑफ बिगर साइज. जो क्लाउड जिनके अंदर होंगे डस्ट पार्टिकल बड़े साइज के, स्कैटर लाइट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. सी, सिंस व्हाइट क्लाउड्स आर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स ऑफ बिगर साइज, दे आर स्कैटरिंग लाइट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. नाउ व्हिच लाइट? यू नो, व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. When white light is scattered equally in all the directions, it means white color will be visible. So clouds are white. Means कौन से cloud white होंगे? जिनके अंदर dust particle बड़े size के होते हैं. ऐसा क्यों? You know, with your pattern, white light is made up of seven colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. You know, red color having longest wavelength or maximum wavelength, and this violet having minima or shortest wavelength. As per Rayleigh's law of scattering, scattering is inversely proportional to lambda raised power 4. This law is valid when size of scattering molecule is less than wavelength of the light used. This law tells us different colors, different wavelengths scatter differently. देखिए, violet color की wavelength सबसे कम है, तो scattering of violet is maximum. हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो हर कलर की स्कैटरिंग भी अलग अलग होगी. जैसे रेड की कलर्स वेवलेंथ की, रेड की वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो स्कैटरिंग ऑफ रेड सबसे कम है. ये उल्टे जुड़े हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट दिस लॉ इज वैलिड व्हेन साइज ऑफ स्कैटरिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट. जब स्कैटरिंग मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, उस समय अलग अलग कलर अलग अलग स्केटरिंग शो करता है. उस समय ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्केटरिंग शो करता है. लेकिन अगर साइज ऑफ स्केटरिंग मॉलिक्यूल ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द व्हाइट लाइट हो, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड हो, उस समय ऑल द वेवलेंथ, माने वेवलेंथ मींस ऑल द कलर्स, दीज आर सेवन कलर्स having seven different wavelengths. So we call it like this, seven colors or seven wavelengths. See, जब size of scattering molecule बड़ा होता है, it is bigger size than the wavelength of light used. At that instant, all the wavelengths are scattered nearly equally. जब सारी वेवलेंथ सारे कलर इक्वली स्केटर्ड होंगे, तो क्लाउड्स व्हाइट नजर आएंगे, क्योंकि व्हाइट क्लाउड्स के अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल जिनका साइज बड़ा होता है. गॉट इट?